अगर किसी लड़की ने आपके भाई बेटे या पति पे इल्जाम लगाया होता तो आप ये कहती है तो झूठी है। तो अब आपको तनुश्री दत्ता सच्ची कैसे लग गई? क्यों? क्योंकि आपके भाई बेटे पति पे इल्जाम नहीं लगा इसलिए। और मैं चिक चिक कर यहां पे कह रही हूं, नाना पाटेकर जी कह रहे कि वो तो मेरी बेटी के समान है। नाना पाटेकर जी और तनुश्री और मेरे बीच में, गणेश आचार्य के बीच में झगड़ा लफड़ा चल रहा है। तनुश्री ने राज ठाकरे जी को क्यों घसीटा बीच में? राज ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे की कुर्सी, इन सब चीजों को मिक्स क्यों किया आप बताइए ना, मैं मीडिया से पूछती हूं। इससे उसकी छेड़खानी का क्या मतलब है? जब एक मीडिया वाला कैमरा लेकर चिक चिक के कह रहा है कि वो गाड़ी मैंने तोड़ी है, उसका कांच मैंने तोड़ा है, तो भी मीडिया वाले इतने अंधे क्यों हैं? वहां पर एमएनएस का एक आदमी नहीं था, तुम एमएनएस वालों को और राज ठाकरे जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? उनकी पार्टी इतनी ईमानदार है, वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिशियन और एक पार्टी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मैडम, उस दिन तो मैं चिक चिल्ला रही थी ना, आज तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूं, आज तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, और आज मैंने आपकी पोल खोल दी है, सबको पता चल गया है आप कौन है। कोई भी दुनिया वाले कहते, कोई भी एक लड़की न्यूज चैनल में आके अपने पे इल्जाम भी लगाएगी, मैं भी एक लड़की हूं ना, मैं भी इतनी न्यूज चैनल में आई और तुम्हारी सच्चाई बताई कि आप लेस्बियन हैं और आपने मेरा बार बार बलात्कार किया है जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। पहले आप उसकी कॉपी मुझे दीजिए ना, वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, आप पहले मुझे उसकी कॉपी दीजिए, मुझे अभी तक नोटिस में नहीं मिला है। वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, रोज एक नया गेम खेल रही है। राज ठाकरे जी माननीय, राज ठाकरे जी और माननीय नाना पाटेकर जी ने इसके मुंह पे थूका नहीं, तो इसने राखी सावंत को टारगेट किया है, लेकिन मैं राखी सावंत हूँ। तनुश्री, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, न पाताल में न कहीं पे भी, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है। आप आइए मीडिया में कहिए ना कि आपने मेरा बलात्कार नहीं किया, जगह बताऊं, जगह बताऊं, जगह बताऊं। क्यों सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया जाता है? क्यों? अब देश के देश वाले बताएं ना, ये कैसे हो सकता है? देखिए यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, कैसे हो सकता है, फीमेल फीमेल कहते कैसे होता है, देखिए जी। सर बस 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 कट कट, बाद में कर लेते हैं सर, चैनल का है ना आपका, मैं करा रहा हूं ना सर, ये प्रोडक्शन का है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि तनुश्री पैसे लिए है ये मैटर के लिए? हैश मीटू को प्रमोट करने के लिए तनुश्री को खूब पैसे मिले गए हैं, रेड मर्सिडीज और पता नहीं कौन सी गाड़ी है। आप देखिए पूरी बॉलीवुड को गिराकर, बदनाम करके बॉलीवुड। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है, आलोक नाथ जी पर इल्जाम लगा, जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? पिता के रोल करते हैं वो। अनु मलिक जी इतने ग्रेट सिंगर है, आज मैं कहना चाहती हूँ अनु मलिक जी के बारे में, चार चार घंटे में उनके साथ कमरे में रही हूँ, मेरे पास वीडियो है, शोज किए हैं मैं उनके साथ इतने, मुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया अनु मलिक जी ने। सलमान खान के बारे में देखिए, डेजी बहन, डेजी शाह जी, जो आपने कमेंट किया है, साइलेंस प्लीज, डेजी शाह जी, आपने जो मास्टर जी पे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि तनुश्री बहुत अच्छी है, गणेश आचार्य जी का बदला ले रही है, आप तो मेरी मित्र हो डेजी। अगर यही आपके प्रमोटर हमारे सलमान भाई पर किसी ने इल्जाम लगा दिया होता तो डेजी आप क्या करती? आप उस लड़कियों का मुंह तोड़ जवाब देती ना कि नहीं सलमान जी ऐसे नहीं है, क्योंकि नाना पाटेकर जी है महाराष्ट्र की आन बान शान है, तो आप तनुश्री को सपोर्ट कर रही है बगैर मतलब के। आप सच्चाई आप भी जानती है कि उसने सेट पे कितने नाटक किए थे, सच बोलो बहन,
और एक कोई लड़की है, कह रही है सलमान खान, अरबाज खान, सोहिल खान उसका रेप किया है, आप देख रही है? पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा जी आप वही लड़की सन की हो ना जिसने अपने टट्टी निकाल कर सबके घर में भेजी थी, याद है? आपसे खूबसूरत तो सलमान खान के घर में काम वाली बाइया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आजकल की लड़की को हो क्या गया है? ये नींद से उठती है और किसी पे इल्जाम लगाती है? और हैश मी टू बढ़ते जा रहा है और मीडिया वालों की टीआरपी जीआरपी बढ़ती जा रही है। उड़ा लो मजाक, शरीफ इंसानों को बदनाम कर लो। देखो ऐसा होने से क्या होगा पता है? लड़कियों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लड़की से बात करने से डरेगा, है ना? तो आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो। और ये सारी चीजें बॉलीवुड में ही होती है क्या? और हर जगह नहीं होती है, पॉलिटिक्स में नहीं होती है। बहुत ऐसी बातें हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए कि हर जगह होता है। ए हेलो, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, थैंक यू मत बोलो। है ना? और मैं बॉलीवुड के सभी कास्टिंग डायरेक्टर को वार्निंग देना चाहती हूँ, अभी हॉकी में यहाँ पे लाई नहीं हूँ, डंडा लाई नहीं हूँ, कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है बॉलीवुड में, जो भी लड़कियाँ बाहर से छोटे शहर बड़े शहर से आती है रोल मांगने, तुम अगर उनको टारगेट करते हो, कास्टिंग डायरेक्टर को कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को अभी ऑफर मत करना, वरना राखी सावंत है ना, उनको स्क्रीन टेस्ट के बहाने, ऑडिशन के बहाने कोई भी फालतूगिरी मत करना, वरना होके और डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगी राखी सावंत। मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टर को जानती हूँ और मैंने पहले एक शो किया था राखी का इंसाफ, शायद पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता है, उसमें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी आए थे, उसमें बहुत पिटा था मैंने। ये शुरुआत प्रोड्यूसरों से नहीं होती, कास्टिंग डायरेक्टरों से होती है, समझ गए ना? और लड़कियों को भी, हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड में लड़की आती है उनको भी ये कहती हूँ कि शॉर्ट कट मत अपनाओ, मैंने भी नहीं अपनाया है। ऑडिशन पे ऑडिशन दो, 100 दरवाजे बंद होंगे एक दरवाजा खुलेगा। ईमानदारी से आओ, कोई तुम्हें ऑफर करता तो सीधा कहो मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट है डांस का और एक्टिंग का, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, है ना? तो अपनी इज्जत को मत गवाओ। मैं आज लड़ रही हूँ तुम सबके लिए, बॉलीवुड के लिए, अकेली लड़की लड़ रही हूँ। 50-50 सालों से उठ के महिलाएं आ रही हैं, देखो तब क्या हुआ था, इनको सांप सूंघ गया था तब नहीं बोली, अब कहीं के मतलब कहीं दिख नहीं रहे टीवी पे, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो आके शरीफ इंसानों को बदनाम कर रहे। वो तो मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी इस पर एक कानून बनाए, सबूत पेश करे, बगैर सबूत के नहीं। मेरे पास तो सबूत है, मेरे बलात्कार का सबूत मेरे पास है और मैं मीडिया को जरूर दूंगी कोर्ट में पेश करने से पहले, वो मेरा इक्का है, क्योंकि अभी दे दूंगी तो सबूत गायब हो जाएंगे, है ना? फिल्में मैं भी देखती हूँ, सब जानती हूँ मैं। और बॉलीवुड से एक निवेदन है मेरा कि अब जितनी भी फिल्मों में रेप कांड दिखाए जाते हैं, रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बंद हो। मैंने रोज़ फिल्मों में देखती हूँ कि 5 लड़के मुस्टंडे आते हैं, दरवाज़ा धक्का मार के लड़की के घर में घुस जाते हैं, उनके माँ बाप को मारते हैं और लड़की का बलात्कार करके चले जाते हैं। ये क्यों दिखाते हो आप लोग? ऐसा दिखाओ ना कि अगर ऐसा कोई बलात्कार करने आया जो लड़की के हाथ में चाकू हुआ कि कुछ भी हुआ, अंदर डाल दिया या उनका सामान काट दिया, क्यों नहीं दिखाते? ऐसा क्यों नहीं दिखाते? एक फिल्म आई थी ना डिंपल कपाड़िया की, जख्मी औरत, देखो तुम्हें बड़े फिल्म का नाम मालूम है। हाँ, है ना? देखो, और लेस्बियन फिल्म आई थी ना फायर, हाँ वो होता है
नहीं हुआ था फायर में सब सच्चाई दिखाई गई थी दोस्तों, वही मेरे साथ हुआ है फायर, या आज वो 12 साल पुराना फायर आज बाहर निकला है और मैं एक एक शब्द सच बोल रही हूँ तनुश्री दत्ता की तरह। जी आपके कोई सवाल है? कौन है? और तुम सब सच जानते हो सुमित, तुमसे बड़ा कल्पित तो कोई नहीं इस दुनिया में, सब तुम सच्चाई जानते हो। तुम मुझे कितने सालों से जानते हो। साड़ी का राज यह है कि लोग जब साड़ी औरत पहनकर आती है उसी को देवी माना जाता है, और सच्चाई सब कुछ जबान पे सच्चाई टिकी नहीं है, साड़ी पे ही टिकी है, इसलिए मैं साड़ी पहनकर आई है ना, क्योंकि जब वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आप आते हैं तो लोगों को लगता है ऐसी ही है। जी थैंक यू गाइस, दूसरा ग्रुप हो गया, अभी दूसरा ग्रुप। और हाँ एक मिनट दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप हिंदुस्तान की लड़की कैसे सेफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। हर एक लड़की न्यूज चैनलों में आके कहती है कि किसी न किसी ने उसके साथ अत्याचार किया है, और आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि मैंने साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है कि अब क्या करना है हिंदुस्तान की लड़कियों की इज्जत कैसे बचानी है। साइलेंस प्लीज। ऐसे बचेंगे ये देखिए, ये ताला गोदरेज का ताला, जो लगाएगा गोदरेज का ताला वही बन पाएगी बॉलीवुड के बाला। तो दोस्तों लड़कियों, जब आप घर से निकलो तो आप अपने आप में ऐसे ताला लगा कर निकलो, आपकी इज्जत पे भाई दोस्तों। हर एक लड़की न्यूज चैनलों में आके कहती है कि किसी न किसी ने उसके साथ अत्याचार किया है। तो जी हाँ, आपने देखा वीडियो। क्यों हंस रहे हो भाई, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? यही दिखाओगे क्या मैं हंस रही हूँ? अरे लाइव है, ऐसा मत करो। जी और एक वीडियो है दोस्तों, के पैकअप प्लीज, पैकअप, मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज पैकअप करो प्लीज, बहुत रोना आ रहा है मुझे प्लीज।